हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैन मुनि ने पूजा पर की पीएचडी। 5 सितंबर को जालौर स्थित बड़ा न्याती नोहरा में होगा विमोचन। मुनि डॉक्टर संयम रत्न विजय ने जैन दर्शन में पूजा का स्वरूप एवं आध्यात्मिक महत्व बताकर कहा कि मानव जीवन में पूजा का महत्व बड़ा है। पूजा में आस्था रखने वाले लोग घरों व धार्मिक स्थलों पर दिन में 2 बार पूजा करते हैं। कई बार विशेष अवसरों पर विशेष पूजा का आयोजन भी किया जाता है। इस सृष्टि में पूजा का महत्व कितना है और पूजा कितने प्रकार की है, साथ ही पूजा मानव जीवन में क्या असर करती है, कुछ ऐसे ही पहलुओं को बता रहे हैं मुनि श्री डॉक्टर संयम रत्न विजय, जिन्होंने पूजा विषय पर हाल ही में पीएचडी उपाधि प्राप्त की है। इन्होंने जैन दर्शन में पूजा का स्वरूप एवं आध्यात्मिक महत्व विषय का शोध किया है। इस विषय पर लिखित 500 पेज की पुस्तक का जालौर में 5 सितंबर 2021 को भव्य समारोह में विमोचन किया जाएगा। आइए जानते हैं डॉक्टर संयम रत्न विजय द्वारा शोध बिंदु के बारे में। मैं मुनि श्री डॉक्टर संयम रत्न विजय जी, मेरा नाम है। मेरे गुरुदेव जी का नाम युग प्रभावक आचार्य लोक संत श्रीमद विजय जैन सेन सुरेश्वरजी महाराज साहब है। मेरा जन्म 14 सितंबर 1985 को भाद्रपद वदी अमावस्या शनिवार को अजमेर में हुआ। अजमेर में LKG UKG पहली क्लास के एग्जाम दी। उसके पश्चात अजमेर छोड़कर हमारा परिवार निम्भाड़ा राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले में आ बसा। वहाँ पर 2री से लेकर 10वीं तक पढ़ाई की। उसके पश्चात गुरुदेव से संपर्क हुआ। गुरु के सानिध्य में 3 वर्ष रह करके धार्मिक अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात सन 2004 में 24 जनवरी 2004 को जालौर जिले के सियाणा गांव में ही मेरी दीक्षा हुई। गुरुदेव श्रीमद विजय जैनसेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के 50 साल संयम जीवन के पूर्ण हुए उस स्मृति में ही मेरी दीक्षा हुई, इसलिए गुरुदेव जी ने मेरा नाम संयम रत्न विजय जी रखा। तत्पश्चात सन 2005 में बेंगलोर में चातुर्मास था, वहाँ पर गुरुदेव जी ने आज्ञा दी कि तुम्हें PhD करनी है। PhD क्या होती हम नहीं जानते, लेकिन गुरु आज्ञा तहती, गुरु आज्ञा को मानकर जो चलता है तो आगे से आगे सभी समस्याओं का समाधान होता रहता है। सन 2006 में हमारे दादा गुरुदेव श्रीमद जी राजेंद्र सुरेश्वर जी महा साहब के स्वर्गारोहण शताब्दी महोत्सव चातुर्मास भी था। तो उस समय मोहनखेड़ा जो हमारा मेन तीर्थ है, राजेंद्र सुरेश्वर जी की जो समाधि स्थली मोहनखेड़ा तीर्थ है, वहाँ पर चातुर्मास था। उस चातुर्मास के दौरान BA एंट्रेंस की एग्ज़ाम दी। फिर उसके पश्चात 3 साल BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल किया। फिर उसके पश्चात 2 साल MA किया। उसके पश्चात PhD एंट्रेंस की 2 एग्ज़ाम सन 2014-15 में उज्जैन में रहकर किया। फिर सन 2015-2016 में शाहजहाँपुर में, जो मध्य प्रदेश में है, डॉक्टर सागरमल जी जैन, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पढ़ाया है, और ऐसे डॉक्टर सागरमल जी जैन जिन्होंने 60 साधु साधुओं को PhD करवाई है, इसके अलावा भी अनेक PhD करवाई है, तो उनके निर्देशन में रह करके PhD का विषय चयन किया गया। वह PhD का विषय रखा गया जैन दर्शन में पूजा का स्वरूप एवं आध्यात्मिक महत्व, जो फिलोसॉफी में आता है। जैन जाति नहीं, धर्म नहीं, संप्रदाय नहीं, एक दर्शन है। तो दर्शन शास्त्र में ये सब्जेक्ट हमने चुना। उसके ऊपर इंटरव्यू हुआ, वाइवा हुआ, और वर्ष भर 500 पेज इस पूजा सब्जेक्ट पर लिखा गया। तो इसमें पूजा की विधि क्या है, पूजा के प्रकार क्या है, पूजा कब से प्रारंभ हुई, पूजा की विधियों में किस प्रकार से बढ़ावा हुआ, किस प्रकार से पाखंड प्रवेश हुआ, पूजा में भी द्रव्य पूजा और भाव पूजा, और इसमें भी स्तुति रूप पूजा में किसी का कोई विरोध नहीं था, लेकिन द्रव्य पूजा में कुछ परिवर्तन होने के कारण, कुछ एक्स्ट्रा सामग्री पूजा आने के कारण विरोध भी हुआ। तो सभी बातें उस शोध ग्रंथ में ली है कि पूजा के प्रकार क्या है, विधि क्या है, पूजा का स्वरूप क्या है, पूजा हम जो करते हैं उसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। जैसे जल पूजा हम करते हैं, तो जल पूजा करने के पीछे यही है कि हे परमात्मा, जिस प्रकार जल निर्मल होता है, शीतल होता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी शीतल बने, निर्मल बने, चंदन की तरह सुगंधित बने, पुष्प की तरह हल्का फुल्का मुस्कुराता जीवन बने, धूप की तरह सुगंधित बने, दीप की तरह प्रकाशमान बने, अक्षत की तरह अक्षय पद मोक्ष पद प्राप्त हो, नैवेद्य यानी आहार, आहार के प्रति आसक्ति घटे, तप पद को प्राप्त करके कर्म की निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त करे, और अंत में फल पूजा यानी कि किसान बीज होता है और अंत में उसके चाहना होते कि उससे मुझे फल की प्राप्ति हो। तो पूजा करते करते हम फल चढ़ाते हैं अंत में, यानी कि हमें मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से अष्ट प्रकार की पूजा है, पंच कल्याण पूजा है, 17 भेदी प्रकार की पूजा है, पूजाओं के विभिन्न प्रकार है, उसके पीछे आध्यात्मिक क्या रहस्य है, उस रहस्यों को लेकर के
में हमने इस विषय पर जैन दर्शन में पूजा का स्वरूप एवं आध्यात्मिक महत्व पर रिसर्च किया और सन 2020 में नीमा चतुर्मास था, लास्ट वाइवा हुआ, इंटरव्यू हुआ और 12 दिसंबर 2020 को हमारे गुरुदेव जी का 85वां जन्मोत्सव था। उसी दिन ही डॉक्टरेट पदवी डिक्लेयर हुई कि आपको डॉक्टरेट पदवी दी जाती है। ये एक योग संयोग की बात है, जिन गुरुदेव ने मुझे प्रेरणा दी उन्हीं गुरुदेव जी के जन्मोत्सव पर वह डिग्री डॉक्टर की डिग्री प्राप्त हुई और उन्हीं के गुरु चरणों में समर्पित की। इससे ज्ञात होता है कि गुरुदेव जी भले नहीं रहे लेकिन उनकी कृपा आज भी हमारे साथ में है। उसी ग्रंथ का विमोचन, उसे पब्लिश कराया गया, सिंगल कलर फोर कलर में निर्मित किया गया, उसी का विमोचन 5 सितंबर को रखा गया है रविवार को। अभी फिलहाल एक प्रति आई है, उसके पश्चात 10-15 दिन में और भी प्रति आएगी, उसको अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा। ये प्रतियां बाजार में भी अवेलेबल रह सकती है क्या? अभी बाजार में तो नहीं, लेकिन कुछ हमारे जो प्राप्ति स्थान है या जो प्रकाशक है वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। प्राप्ति स्थान के नंबर फोन वगैरह है तो वहाँ से आप फोन करके या सूचना के माध्यम से आप शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इसका शुल्क 1000 रुपये है और यदि हो सकेगा इसे आधे मूल्य में देने का प्रयास करेंगे, 500 रुपये में, कि जिसकी सामर्थ्य में तो कम से कम 500 रुपये शुल्क देकर के इसे प्राप्त कर सकें। जागरूक टीवी के जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।